السلام عليكم. तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमने पहले डिस्कस किया, अब हम थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अमल का रद्द अमल। अमल का रद्द अमल क्या है, हम इस वीडियो में अच्छी तरह देखेंगे। अब एग्जाम्पल, एक बुक है टेबल पर रखी हुई है और उसकी फोर्स टेबल पर है, और फोर्स की टेबल की जो फोर्स है वो बुक पर है। अगर बुक अर्थ पे हो तो अर्थ की फोर्स बुक पर है और बुक की फोर्स अर्थ पर है। आगे देखते हैं हम, देखें अगर एक मक्खी है तो उसकी जो फोर्स है वो अर्थ पर है और अर्थ के फोर्स है मक्खी पर। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मासेस, मुख्तलिफ मासेस का डिफरेंस देखते हैं अर्थ पर। अब देखें इस तरह ये टावर है, अब ये जो है गिर रहा है बंदा, तो ये फोर्स अर्थ पे भी लगा रहा है और इसकी फोर्स अर्थ पे लग रही है। अर्थ इसको अपनी तरफ खींचिए और ये अपने आप को ऊपर खींचेगा। अब देखें टायर जो है वो रोड को पुश कर रहे हैं, ये एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या है, रोड पुश ऑन टायर। अब हम मून की तरफ जाते हैं एक रॉकेट के जरिए, तो रॉकेट क्या एक्शन और रिएक्शन क्या होगा देखते हैं। ये रॉकेट मून की तरफ जा रहा है, ठीक है, किस तरह जा रहा है, रॉकेट पुश कर रहा है गैस इसको, ये इसका एक्शन हो गया। और रिएक्शन है गैस पुश कर रही है रॉकेट को, ठीक है। अब हम तो ये देखें उसको एक्शन मिला, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसके ट्रक के ऊपर से जो एक शॉट थी वो गिर चुकी है।